Hi there, hope you are doing fine. आज हम क्लास सिक्स इंग्लिश एनसीईआरटी हनीसकल की फोर्थ यूनिट का चैप्टर ब्यूटी करेंगे. ब्यूटी एक पोएम है जो कि ये डिस्क्राइब करती है, ये बताती है कि ब्यूटी यानी सुंदरता क्या होती है. इसमें थ्री स्टैंजास हैं, 1, 2 एंड 3. इसकी राइटर है ई ए शॉर और वो एक नेटिव अमेरिकन राइटर है. हम पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. लुईस अल्बर्टा चवीवी, जिनका पेन नेम यानी जिस नाम से वो लिखती हैं उनका, वो है ई ए श्योर, जो कि हमारे बुक में दे रखा है, और ब्लू कॉर्न, जिसको ब्लू कॉर्न भी कहते हैं. उनका जन्म सितंबर 9, 1926 में हुआ और जुलाई 21, 2014 में वो नहीं रहीं. ये एक पुएब्लोन राइटर, पोएट और एजुकेटर है. जो पुएब्लो जो लोग होते हैं वो नेटिव अमेरिका के लोग होते हैं, अमेरिकन जो कि बहुत शुरू से अमेरिका में रह रहे थे वो. और ये अपनी बुक आई एम अ पुएब्लो इंडियन गर्ल के लिए जानी जाती हैं. सबसे पहले इसकी जो इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं इस पोएम की, पोएम शुरू होने से पहले, वो पढ़ते हैं ताकि हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ. वॉट इज़ ब्यूटी? Try to describe what beauty is or list some of the things or persons you think are beautiful. ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है आपके हिसाब से? आप क्या सोचते हैं जब आप सुंदरता के बारे में सोचते हैं या सुंदर वर्ड सुनते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? तो उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए, सुंदरता को डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए जो आपका खुद का आइडिया है. और आप क्या कर सकते हैं, या फिर तो कुछ चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए जिन जो आप सुंदर मानते हैं, जो कि चीज़ें भी हो सकती हैं या फिर लोग भी हो सकते हैं. आपको किसी का चेहरा बहुत पसंद हो सकता है, आपको कोई जगह बहुत सुंदर लग सकती है, और जिन चीज़ों को आप सुंदर मानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए. तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं, जिसका थीम है और जिसका टाइटल भी है ब्यूटी. फर्स्ट स्टैंजा, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. तो पहला जो स्टैंजा है उसमें बताया जा रहा है कि जो सुंदरता होती है, ब्यूटी मतलब सुंदरता, वो कहाँ देखी जाती है, इस सीन देखने में कहाँ आती है. पोइट बोलती है इन द सनलाइट, सनलाइट यानी सूरज की जो धूप होती है उसमें, ट्रीज़ में यानी पेड़ों में, बर्ड्स में यानी चिड़िया में, और कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग. कॉर्न ग्रोइंग मतलब जो फसल हम उगाते हैं ना, जो खेतों में उगाते हैं फसल, और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी ब्यूटी है, उसमें भी एक सुंदरता है. और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और जब हार्वेस्ट क्या होता है, जब फसल हम काटते हैं तो पूरा जो प्रोडक्ट निकल के आता है, फसल जब काटी जाती है तो उसे हार्वेस्ट बोलते हैं. तो उसकी खुशी में कि इतनी अच्छी फसल हुई है, जब डांस करते हैं लोग, तो वो भी ब्यूटी है. तो फर्स्ट स्टैंजा में ब्यूटी क्या क्या है, सनलाइट में है ब्यूटी, कहाँ कहाँ देखी जाती है ये डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट स्टैंजा में, कि कहाँ कहाँ देखी जाती है. तो सनलाइट में देखी जाती है, पेड़ों में देखी जाती है, चिड़ियों में देखी जाती है, फसल उग रही है उसमें देखी जाती है, और लोग काम कर रहे हैं उसमें भी देखी जाती है, और या फिर तो जब डांस होता है फसल कटने के बाद, डांस करते हैं लोग खुशी में, तो वो भी होती है. तो इन चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में ब्यूटी कहाँ कहाँ देखी जाती है. सेकेंड स्टैंजा जो है, अभी हमने फर्स्ट स्टैंजा देखी है ब्यूटी इज सीन, सेकेंड स्टैंजा में ब्यूटी इज हर्ड. तो हम सेकंड स्टैंजा में देखेंगे कि ब्यूटी कहाँ कहाँ सुनी जाती है, हर्ड मतलब सुनना. तो ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट. अब ब्यूटी पोएट बताती हैं कि कहाँ सुनी जाती है. अभी सीन वाला कर लिया, कहाँ देखी जाती है, अब हम सुनने वाला करेंगे, कहाँ सुनी जाती है. इन द नाइट, नाइट में यानी रात में सुनी जाती है. विंड साइंग, रेन फॉलिंग, और जब विंड यानी हवा साय करती है, साय होता है जब आप अपने जब आप सांस छोड़ते हैं ना ऐसे करके, तो उसे साइंग बोलते हैं, SIGHING, साइंग. तो विंड का साइंग, हवा चलती है तो उसकी भी आवाज़ ऐसे आती है ना, सर सर करके, तो उसे साइंग बोला गया. तो उसमें भी ब्यूटी सुनाई देती है, उसकी आवाज़ में भी. रेन फॉलिंग, जब रेन जब गिरती है यानी बारिश होती है, तो उसकी पैट 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 की पैटर जो आवाज़ होती है वो भी ब्यूटीफुल आवाज़ है, उसमें भी ब्यूटी सुनाई देती है. और अ सिंगर चैंटिंग, और सिंगर जो है वो चैंट कर रहा है यानी गा रहा है एक तरीके का गाना. एनीथिंग इन अर्नेस्ट का मतलब जो वो सिंगर गा रहा है
कोई भी चीज़ जो वो ऑनेस्टली गा रहा है, दिल से गा रहा है, सच्चाई के साथ गा रहा है, अर्नेस्ट मतलब सच्चाई, तो कोई भी चीज़ एनीथिंग वो जो सच्चाई से गा रहा है सिंगर, उसमें ब्यूटी है जो वो चैंट कर रहा है। तो हमने सीन कर लिया यानी ब्यूटी किस में दिखती है, सेकंड हमने ब्यूटी इज़ हर्ड यानी ब्यूटी किस में हम सुनाई देती है हमको। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा है जो कि इस पोएम का, कि ब्यूटी कहाँ होती है। अभी हमने देखा और सुना कि ब्यूटी कहाँ है, अब हम ब्यूटी जानेंगे कि कहाँ होती है। तो पोइट बोलती है, ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थाट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। तो पोइट बोलते हैं कि ब्यूटी कहाँ है, तुम्हारे अंदर है, आपके अंदर ब्यूटी है आपकी। हमें चीज़ें बाहर से सुंदर लगती हैं लेकिन असल ब्यूटी कहाँ है, हम सबके अंदर, तुम्हारे अंदर है। पोइट बोलती है हम लोगों से, गुड डीड्स यानी अच्छे काम, हैप्पी थॉट्स यानी खुश जो विचार होते हैं, खुशी के विचार, पॉजिटिव थॉट्स है ना, और जो हम सोचते हैं वो पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, दैट रिपीट देमसेल्व्स, और जो कि हम रिपीट करते हैं, मतलब एक बार करके नहीं छोड़ते हैं, बार बार करते हैं, अच्छे काम और हैप्पी थॉट्स यानी खुश विचार, इन योर ड्रीम्स, कहाँ रिपीट करते हैं, सपनों में, कि सपनों में भी हम गुड के बारे में सोचें, हैप्पी सोचें, खुश होने का सोचें, तो इन योर ड्रीम्स यानी सपनों में, इन योर वर्क यानी हम काम में भी, यानी कि केवल ड्रीम देखा अच्छी अच्छी बातों का और भूल गए, उसे अपने काम में भी लाते हैं। स्पीक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो अपने काम में भी अच्छाई दिखाना, अपने काम में भी हैप्पीनेस खुशी दिखाना, एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप आराम करते हैं उसमें भी एक अच्छाई होना, गुड डीड होना और एक हैप्पीनेस होना, तो इसमें ब्यूटी है, इसमें ही सुंदरता है। तो ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, मेरे हिसाब से तो इस पोएम में भी बहुत ब्यूटी है क्योंकि ये बहुत सुंदर पोएम थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, और अगर आप आगे के वीडियोस से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर।